नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमोद पडवळ, सहायक प्राध्यापक चांदमल ताराचंद बोरा महाविद्यालय शिरूर जिला पुणे महाराष्ट्र। आज हम करियर प्लानिंग में चर्चा करते हैं। करियर प्लानिंग यानी जीवन का आजीविका का नियोजन। जीवन का नियोजन, जीवन की आजीविका का नियोजन करना, जिसे हम करियर प्लानिंग कहते हैं। तो शुरुआत में हम करियर प्लानिंग किसे कहते हैं ये देखते हैं। पहले पहले जमाने में अगर हम देखते हैं तो करियर की प्लानिंग के बारे में कोई विचार नहीं करता था। परंपरागत तौर पर जो भी व्यवसाय, जो भी उद्योग या जो भी नौकरी जिसे होती थी, उसका बेटा आगे चलकर उसी प्रकार का व्यवसाय करता था। इसमें कोई अलग बात नहीं होती थी। लेकिन आज शिक्षा के प्रचार प्रसार ने जीवन के प्रति देखने का दृष्टिकोण जो है लोगों का बदल गया है, और आज लोग बेहतर से बेहतर जीवन जीने के लिए अच्छी तरीके से उसका नियोजन करते हमें दिखाई देते हैं। तो अपनी क्षमता, अपना कौशल, अपनी बुद्धि, अपना चातुर्य, अपनी क्षमताएं, इसके आधार पर जीवन का पूर्व नियोजन, जिसे हम कहते हैं करियर प्लानिंग। अब ये करियर प्लानिंग करते समय कुछ बातों को आधार बनाकर हम करियर प्लानिंग जो है वह करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो प्रश्न कौन से है, करियर की सीढ़ियां कौन कौन सी है, या उसमें हम अपने आप को कैसे समझते हैं, या अपने आप को समझा कर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कौन से फैक्टर्स है जो प्रभावित करते हैं हमारे करियर प्लानिंग को, या हमें कहाँ जाना चाहिए हेल्प लेने के लिए। तो ये सारी इन सारी बातों की चर्चा जो है हम करियर प्लानिंग में करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न होते हैं जो हमारे मन में उभरते हैं। तो करियर प्लानिंग करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें मोटिवेट कौन करता है, या हम किससे प्रभावित होते हैं, कौन हमें प्रभावित करता है, ये बहुत जरूरी है समझना। उसके बाद हमारे दिमाग में एक आइडियल जॉब की जो जो परिभाषा है वो किस प्रकार की है वो हमें पता होनी चाहिए। फिर हम किन बातों से प्रभावित होते हैं या एक्साइट होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पर कौन सा जॉब या कौन सा उद्योग, व्यवसाय जो है हमें समाधान दे सकता है, ये भी देखना जरूरी होता है। साथ ही साथ यहाँ पर किस प्रकार का काम हमें, या उससे हम दूर भागते हैं, या मान लीजिए हम हमारी कमी क्या है, किस में हम वीक है, ये भी देखना जरूरी होता है। और क्या हम अपने आप को सुधार करने की काबिलियत रखते हैं, क्षमता रखते हैं, देखना पड़ता है। ये सब देखने के बाद जो है वह महत्वपूर्ण तो बात आती है कि कुछ डायरेक्शन टू गो, यानी कौन सी दिशा में जाए। तो दो बातें हैं, पहली है स्कोप, दूसरा है सेटिस्फेक्शन। दोनों अलग अलग है। होता क्या है, हम स्कोप को देखकर जॉब व्यवसाय ढूंढते हैं या करते हैं, और बाद में उसमें सेटिस्फेक्शन देखने का प्रयास करते हैं, जो गलत है। मतलब स्कोप यानी अवसर वो अलग है, सेटिस्फेक्शन यानी समाधान वो दोनों बातें अलग है। मतलब जहाँ स्कोप है वहाँ जरूरी नहीं है कि सेटिस्फेक्शन भी होगा, और जहाँ पर सेटिस्फेक्शन है वहाँ ये जरूरी नहीं है कि आगे उसका स्कोप रहेगा। इसलिए दोनों बातें अलग है, और करियर का चुनाव करते समय ये दोनों बातें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। उसके बाद महत्वपूर्ण तो प्रश्न आ जाता है कि किस दिशा की ओर तो जाना चाहिए, बात ठीक है, लेकिन उसमें अलग अलग शाखाएं हैं, अलग अलग जो जैसे आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, मेडिकल या अन्य ऐसी बातें हैं, शाखाएं हैं। तो किस शाखा में प्रवेश ले, कहाँ जाए, हमें बताने वाले बहुत सारे होते हैं, जैसे 10वीं, 12वीं, BA, या जिसे हम ग्रेजुएशन कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं। उसके बाद ये सारी खिड़कियाँ कह सकते खुल जाती हमारे लिए, फिर उसमें या दरवाजे कह सकते हैं हमारे लिए खुल जाते हैं। तो कौन से दरवाजे से जाना चाहिए ये हमें तय करना पड़ता है। अब ये तय करना ही यानी करियर की प्लानिंग है। अब करियर प्लानिंग करते समय सबसे पहले अपने आप को जो है वो समझना पड़ता है।
अब अपने आप को समझने का मतलब क्या है कि किस प्रकार का जॉब हमें अच्छा लगता है, क्या करना हमें अच्छा लगता है, ये पहले देखना जरूरी होता है। उसके बाद यहाँ पर कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिससे हम समाधानी होते हैं या हमें अच्छा लगता है, ये भी देखना पड़ता होता है। किस प्रकार का वातावरण या कहाँ काम करना हमें अच्छा लगता है, ये भी समझ में आना चाहिए। और फिर उसके बाद क्या अपनी क्षमताओं को सुधारना या उसमें परिवर्तन करना, उसे बदलना, ये सब हम कर सकते हैं, उसमें क्षमता हमारे अंदर है, ये भी जो है देखनी पड़ती है। फिर करियर को चुनते समय कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो प्रभावित करते रहते हैं, तो उस करियर प्लानिंग में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये जब हमारी समझ में आ जाता है तो समझ लिए आपका काम आसान हो गया। तो सबसे पहले है कि हमें क्या करना चाहिए। तो पहली बात क्या है कि आपके सामने अनेक अवसर या मान लीजिए कि करियर के जो है अपॉर्चुनिटी जो है वह उसके नंबर जो है वह ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। एक में ही अगर आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो शायद हो सकता है उसमें आप कामयाब अगर नहीं हुए तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो आपके सामने जो है कुछ अलग अलग अवसर जो है या मान लीजिए अलग अलग संधियां जो है होनी आवश्यक होती है, या जिसे हम कहते हैं कि अलग अलग पर्याय। उसके बाद है कि उसमें आपको सहभागी होना चाहिए, जो भी आप करना चाहते हैं उसमें मन लगाकर आपको काम करना चाहिए। फिर जहां तक हो सके आपको आपके उस व्यवसाय से जुड़े लोगों से सलाह मशवरा भी अगर आप लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहता है या लेना चाहिए। फिर आपके पैशन को आपको फॉलो करना चाहिए। और एक बात है कि कुछ नया करने का साहस करना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। अगर आपको करियर की प्लानिंग करनी है, करियर अच्छा बनाना है, तो हमेशा ही नया करने की चाहत होनी चाहिए या नया करना चाहिए, क्योंकि बने बनाए रास्ते से तो सभी चलते हैं। हमें कुछ नया रास्ता अगर हम निर्माण करते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन भी मिलता है और कुछ नई बात भी सीखने को मिलती है। अब दूसरी बात है कि कुछ क्या नहीं करना है, तो क्या कर सकते हैं इसके बारे में तो हमने चर्चा की, अब क्या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि केवल करियर के लिए करियर, इसके लिए जॉब या व्यवसाय को या उस नजर से जो है वह नहीं देखना चाहिए। मतलब हम कहते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, जीवन का कुछ महत्व उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य भी उसके अंदर हो तो बहुत अच्छा होता है। फिर दूसरी बात है कि प्रतिष्ठा के लिए, केवल प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं करना चाहिए। लोग अच्छा कहेंगे या सब लोग अच्छा कहते हैं इसीलिए हम ये काम करेंगे, तो ये काम आप अच्छा अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कि किसी के बहकावे में आकर आपको काम नहीं करना चाहिए। कोई कह रहा है या कोई करता है, फिर उसकी देखा देखी में अगर आप काम या वो जो कुछ व्यवसाय करने लगते हो तो फिर हो सकता है कि आपके अंदर उस प्रकार की क्षमता हो या न हो। अगर नहीं है तो फिर आप कामयाब नहीं बन सकते हैं, तो उससे आपको दूर रहना चाहिए। तो हमें क्या लगता है, स्वयं को क्या लगता है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। और फिर बस अंत में कि करने के लिए करना है, यानी जिसे हम कहते हैं फॉर्मेलिटीज, कि बस करने के लिए करना है, यानी करायच म्हणून करायच। अगर हम ऐसा अगर काम करते हैं तो न हम कामयाब हो पाते हैं, न उसमें आगे बढ़ पाते हैं, ना हमें तसल्ली मिलती है और न हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इसीलिए इन बातों से जो है थोड़ा रहना चाहिए। अगली बात करते हैं कि करियर की जो सीढ़ियां हैं वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी सीढ़ियां आपको हमें हमें अपने मंजिल तक लेकर जाती है। अलग अलग प्रकार की ये सीढ़ियां हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये जो सीढ़ियां है चुनौतीपूर्ण होती है। लोग एकाएक जो है वह महान तो नहीं बनते हैं, कामयाब तो नहीं बनते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो आपको देखनी चाहिए कि कौन कौन सी सीढ़ियां अवेलेबल है, उपलब्ध है आपके लिए, और किस तरीके से आप उनका आधार लेकर जो है आगे
बढ़ सकते हैं। फिर इन सारी सीढ़ियों का, जिसे हम एक अवसर के तौर पर भी देख सकते हैं, इन अवसरों का हम लाभ कैसे ले सकते हैं, ये भी देखना जो है वह बहुत जरूरी है। अगर हम इनका लाभ ले सके तो फिर कामयाबी ज्यादा दूर नहीं है। फिर कि इन सारे कामों को करते समय, बातों की ओर ध्यान देते समय, हमारे अंदर किस प्रकार के स्किल या अवसर, सॉरी, किस प्रकार के स्किल हमारे अंदर होने चाहिए या एबिलिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो हमें आसानी होती है। उसके बाद है कि कहाँ गैप है और किस उस गैप को फुलफिल करने के लिए, भरने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मतलब ये बात हमारे जो कमियां हैं उसकी ओर इशारा करती है। हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको फुलफिल करने के लिए, उसको भरने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम किस तरीके से उसे पूरा करते हैं, ये अगर हमारी समझ में आ जाती है तो हम जल्दी आसानी से ऊपर जा सकते हैं। तो ये इन सारे बातों का ध्यान जो है करियर करते समय करना चाहिए। उसके बाद अगर हम करियर के बारे में जानकारी लें तो कहाँ जाए, तो कौन हमें मार्गदर्शन कर सकता है। तो सबसे पहले बात अगर करते हैं वो करियर सेंटर। अनेक करियर सेंटर जो है आज हमें दिखाई देते हैं, वो हमें गाइडलाइन या वो हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। अनेक फैकल्टीज हैं जो, या अनेक विशेषज्ञ होते हैं वो हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कामयाब हुए हैं, जिन रास्तों पर हमें जाना होता है उन रास्तों पर वो पहले से गुजरे हैं, तो वो बेहतर हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनकी भी सहायता ली जा सकती है। प्लेसमेंट सर्विस सेंटर होते हैं, उनकी भी सहायता ले सकते हैं। और अलग अलग वेबसाइट्स है, इंटरनेट के माध्यम से हम सर्च करते कर सकते हैं और जानकारी जो है हासिल कर सकते हैं, जो जानकारी हमें करियर प्लानिंग करते समय बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे करियर के चुनाव में जो है वह परिणाम कर सकते हैं या बाधा बन सकते हैं। सबसे पहली बात है वो इंटरेस्ट की रुचि। मतलब हमारी रुचि क्या है, रुचि के आधार पर ही अगर हम अपना व्यवसाय, अपना जॉब अगर ढूंढते हैं तो हम कामयाब जल्दी होते हैं। इसलिए इंटरेस्ट, मतलब जो भी काम हम लेते हैं या करना चाहते हैं, जिस जॉब में जाना चाहते हैं, उसमें हमारा इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद उस प्रकार की स्किल हमारे अंदर है क्या, ये भी बहुत जरूरी है। अगर स्किल हमारे अंदर है तभी यहाँ पर हम वो काम जो है वह कर सकते हैं। तीसरी बात जो है वह है एटीट्यूड। तो क्या उस प्रकार की क्षमता हमारे अंदर है ये सब करने की, अगर है तभी उस प्रकार का काम हम कर सकते हैं। स्किल, लोगों के पास जो तरह तरह के स्किल होते हैं, कि हमारे पास भी उस प्रकार के स्किल है जिनके आधार पर वो कामयाब होते हैं, तो अगर हमारे पास नहीं है तो हम उसे अर्जित कैसे कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी हमें लेनी चाहिए। अनुभव, अगर हमारे का किसी चीज, या मान लीजिए करियर प्लानिंग करते समय या करियर को चुनते समय अनुभव चाहिए होता है, अगर हमारे पास अनुभव नहीं है तो अनुभव कहाँ से प्राप्त होगा, कैसे होगा, या जिन लोगों के पास है तो उनसे अगर जानकारी लेते हैं तो फिर हमें बहुत कुछ बातें जो है पता चल जाती है। अनुभव बहुत बढ़िया बात होती है, तो जिनके पास वो होता है अगर हम उनसे सहायता अगर लेते हैं, तो जिन रास्तों से गुजरे होते हैं, जो तकलीफ उन्हें होती है, वो तकलीफ हमें नहीं हो सकती, उन समस्याओं का सामना हम नहीं कर सकते हैं अगर अनुभव प्रवीण अगर लोगों से अगर हम चर्चा करते हैं। कुछ फैमिली ट्रेडिशन होते हैं, मतलब पारंपरिकता जो होती है, मतलब अमुक का बेटा अमुक बनेगा, तमुक का बेटा तमुक बनेगा, ये वाली जो बात होती है कि मैं डॉक्टर हूँ तो तुझे डॉक्टर ही बनना है, मैं वकील हूँ तुझे वकील हो बनना है, ऐसे जो ट्रेडिशन चले आ रहे हैं, तो ये भी बाधा बन सकते हैं, तो उसको आपको तोड़ना पड़ेगा। फिर बात करते हैं वो है पर्सनालिटी की, यानी आपका व्यक्तिमत्व। हर एक की पर्सनालिटी अलग अलग होती है
और अलग अलग पर्सनालिटी होने के कारण जो है वह हर एक की क्षमताएं भी अलग होती है, स्किल भी अलग होते हैं, और इसलिए आपकी पर्सनालिटी देखकर समझकर ही अगर हम काम करते हैं या काम करने की शुरुआत करते हैं या जॉब को चुनते हैं, व्यवसाय को चुनते हैं, तो यहाँ पर ये हम सब के लिए जो है बेहतर होता है। फिर लाइफ गोल एंड वर्क वैल्यूज, मतलब जो है वह जीवन के प्रति का जो ध्येय होता है और काम के प्रति आपका जो मूल्य है वो जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप किस दृष्टिकोण से जो है वह देखते हैं, काम के प्रति हो, जीवन के प्रति हो, अपने लक्ष्य के प्रति हो, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं प्लान। अगर करियर प्लानिंग करनी है तो बेहतर से बेहतर प्लान की आवश्यकता होती है। अगर ये प्लान आपका अच्छा रहेगा तो ही आप जो है वह आगे कामयाब हो सकते हैं। तो आपका प्लान जो है वह कैसा होना चाहिए, तो बी सिस्टमेटिक यानी योजनाबद्ध जो है आपका प्लान होना चाहिए, नियोजन पूर्ण ऐसा आपका प्लान होना चाहिए। दूसरी बात है कि उस प्लान में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का बैलेंस होना चाहिए। क्वालिटी भी उसमें होनी चाहिए और मतलब संख्यात्मकता भी होनी चाहिए और गुणात्मकता भी उसमें अगर है तो ये बहुत अच्छी बात होती है। फिर आपका व्यक्तित्व जो है या आपकी जो स्टाइल है उसके अनुसार ही आपका प्लान होना चाहिए, और आपके जो ध्येय है, आपके जो उद्दिष्ट है, उन उद्दिष्टों के आधार पर या उसके मद्देनजर ही आपका प्लान होना चाहिए। और ये सारी बातें जो आप करने वाले हैं वह विथ प्रिपरेशन से होनी चाहिए, मतलब आपका पूरा प्लान जो है पूरी तरीके से तैयारी के साथ होना चाहिए, क्योंकि जीवन एक बार होता है, एक बार मिलता है, इसीलिए यहाँ पर हमें एक बार मिले जीवन की तैयारी प्लानिंग जो है वह बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। और इसीलिए क्योंकि एक बार जब हम आगे जाते हैं और उसमें 5-10 साल अगर गुजार देते हैं और फिर पीछे मुड़कर अगर हम सोचते हैं कुछ अलग व्यवसाय करेंगे, फिर नए से शुरुआत करेंगे, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए प्लान महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखते हैं कि आपको कुछ टिप्स देता हूं करियर प्लानिंग करते समय, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे जो पहली बात है कि नेवर स्टॉप लर्निंग, मतलब हमें जो है वह हमेशा ही मतलब जो सीखना है वह सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया हमारी कभी भी खंडित नहीं होनी चाहिए। जितना ज्यादा हम सीखते जाते हैं उतना ही ज्यादा हमें अपने अज्ञान का ज्ञान होता है, इसीलिए सीखने की जो परंपरा है या जिसे हम पद्धति कह सकते हैं वह बरकरार रखनी अच्छी होती है। आस्क, लिसन एंड लर्न, तो बोलो, सुनो और सीखो, ये वाली जो बात है ये वाली बात महत्वपूर्ण है। हमेशा अच्छा सुनो और जो कुछ सवाल मन में आते हैं उसका निराकरण करने के लिए सवाल करो और फिर सीखते जाओ, ये बहुत जरूरी है। फिर अपना जो वर्तमान जो अपना व्यवसाय है, जॉब है, उसके बारे में आपका आपके विचार क्या है, क्या आप समाधानी है, ये बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए भी सीखना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपका नेटवर्क जो है वह बेहतर से बेहतर करना चाहिए, चाहे आपका सोशल मीडिया का नेटवर्क हो या अन्य दूसरा नेटवर्क हो, नेटवर्क की तैयारी या नेटवर्क बांधना बहुत जरूरी है। फिर अब आप अपने करण जो आपका जॉब है तो उसको पहचानो, अगर आप उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है या आगे स्कोप है क्या, ये पहले देखो। अगर नहीं है तो समय रहते उसको छोड़ना जो है वह समझदारी होती है। फिर आइडेंटिफाई योर नेक्स्ट जॉब, आपका अगला जो जॉब है आप या जो कुछ करना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी लो। तो ये आपको ये लिया, ये पकड़ा, ये छोड़ा, अगर ऐसा करते रहेंगे तो फिर एक भी जॉब या एक भी व्यवसाय में हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए पहले पहले से ही ये समझना सोचना बहुत जरूरी होता है। फिर एक बात है कि स्वयं को तैयार करो,
स्वयं को इसके लिए जो है ये सब करने के लिए तैयार करो, और अच्छे या समुचित जो उपकरण है, साधन है, उनका जो है वो इस्तेमाल करना जो है चाहिए। अपने लक्ष्य, अपने गोल के प्रति जब हम आगे बढ़ते हैं, तब इस प्रकार के जो टूल्स होते हैं, जो हमें जो माध्यम बनते हैं, उनका भी उपयोग हमें करना चाहिए। फिर एक महत्वपूर्ण बात है करियर प्लानिंग टिप्स में, वो है कि सपने देखो। सपने ऐसे देखो, खुली आंखों से देखो, और न केवल सपने देखो, जागती आंखों से सपने भी देखो और उन सपनों को साकार करने का प्रयास भी करो। अगर हम ऐसा करते हैं तभी यहां पर हम कामयाब बन सकते हैं। फिर हम देखते हैं सारांश तौर पर कि हमें क्या कर सकते हैं या हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है वह है कि करियर योजना में या करियर प्लानिंग में पहले स्वयं को समझना बहुत जरूरी है। जब हम स्वयं को समझते हैं तो बेहतर से बेहतर यहाँ पर करियर का चुनाव जो है वह कर सकते हैं। तो स्वयं को समझना ये बहुत जरूरी बात है। दूसरी बात यहाँ पर है वो है स्कोप और सेटिस्फेक्शन की। जब हम किसी भी व्यवसाय हो, उद्योग हो, नौकरी हो, उसमें अगर हम स्कोप और सेटिस्फेक्शन ये दोनों बातों की अगर हमें जानकारी होती है तो फिर यहाँ पर हमें दिक्कत नहीं आती है। नहीं तो फिर हम स्कोप के आधार पर कोई जॉब ढूंढेंगे और बाद में सेटिस्फेक्शन ढूंढने का प्रयास करेंगे तो फिर ये गलत है। फिर क्या करना चाहिए, ये जिस तरीके से पता होना चाहिए उतना ही बेहतर। अगर हमें क्या नहीं करना चाहिए पता है तो हम ये जो है वह अच्छी तरीके से करियर प्लानिंग कर सकते हैं। फिर करियर प्लानिंग करते समय आपकी आपके स्किल्स, आपकी एबिलिटी, आपकी पर्सनालिटी, इसके अनुसार ही जो है आपका करियर प्लानिंग अगर होता है तो ये कामयाब होता है। अगर आपके पर्सनालिटी के अनुरूप नहीं है, आपको सुटेबल अगर नहीं है, तो फिर ये ज्यादा दिन तक आप वो काम, ये वो जो वर्क है वो नहीं कर सकते हैं। फिर अगर ये आपको अच्छा करियर प्लान, करियर की प्लानिंग करनी है, तो बेझिझक यहाँ पर लोगों से बात करते जाओ, अपने सवालों को पूछते जाओ। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सकती है। एक बात और है कि हमेशा जो सीखने की प्रवृत्ति जो है वह हमेशा बरकरार आपकी हो रहनी चाहिए। कभी भी मतलब कभी भी सीखना जो है बंद नहीं करना चाहिए। लोग ऐसा कहते हैं कि जीवन के अंतिम क्षण तक लोग सीखते ही रहते हैं, फिर भी कुछ जो है नया मिल ही जाता है। तो जितना ज्यादा हम सीखते जाते हैं उतना ज्यादा हमें अपने अज्ञान का ज्ञान तो हो ही जाता है। तो इसीलिए सीखने की प्रक्रिया जो है वह निरंतर होनी चाहिए। और अंतिम बात है कि हमेशा सपने देखो और उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करो, और वास्तविकता में उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करो। अगर आप ये सब करते हैं, इन सारी बातों की ओर अगर ध्यान देते हैं, तो फिर आप अपना करियर जो है अच्छी तरीके से बना सकते हैं, या इन सारी बातों से आपको अपना करियर जो है बनाने के लिए सहायता मिल सकती है। धन्यवाद।